जैसा मुसलमान के वास्ते जेडीएस जो रोशन बेग साहब थे होम मिनिस्टर बने, जो सीएम इब्राहिम साहब थे, जो प्राइम मिनिस्टर के टेम्पो देवेगौड़ा साहब, जब भी मुसलमानों की एक वैल्यू थी, एक अच्छी इज्जत थी। आज जो 20-25 साल पहले की इज्जत फिर इंशाल्लाह हिब्बल से देखना चाह रहा मैं। ऐसे लीडर होम के अंदर पैदा हुए, सुबांगा दिन हाईकोर्ट लायर, अच्छे से अच्छा इंसान है। जो भी है मुसलमानों का दर्द रखो, एक इंसान आको है उसका भरोसा तोड़ो न को। तमाम मुसलमानों से और नौजवानों से, मेरे भाइयों और बहनों से भी बोल रहा हूँ कि एक ऐसा लीडर आको है, वो लीडर को गवानों को। आज हिजाब के बारे में जाओ, आज अजान नहीं है, क्या कर क्या वास्ते 70-80 साल से अजान होने को थी। ये 14 MLA जो सिद्धरामैया के चले गए, जो जनता दल को बी टीम कर दी, आज उन्होंने बी टीम हो रही। इंशाल्लाह हमें हर एक पब्लिक, हिंदू हो, मुसलमान रहो, क्रिश्चियंस रहो, हर एक पब्लिक से भी पूरे 120-3 सीटें जिताओ। हमारा भी एक ख्वाब है देवेगौड़ा साहब का, कुमार स्वामी साहब का, क्या कहते हो, एक एजुकेशन स्कूल खोलेंगे। आज जो भी MLA MP आई कांग्रेस के रंदे, बीजेपी के रंदे, 40% 30% कर को तुम्हारा पैसा तुमना लूट को इलेक्शन में देती। तुम लोगों को मालूम नहीं होता ये पैसा बांट रही है, 1,000 रुपए 2,000 रुपए इलेक्शन में बांट को, 5 साल हुकूमत कर दी। इंशाल्लाह ये बार आने वाले इलेक्शन में नौजवाना पूरे रेडी करी, एक नए नए लीडरशिप बनाओ। आज हर गली गली में गरीब इंसान है, आज जाको देखे हमारे मुहिब अल्ताफ, हर एक स्कूल में देखो, गवर्नमेंट स्कूल में एक बच्चे कने किताबा नहीं, बॉक्सा नहीं, क्या भी नहीं। उन्हों मंजे बोले मस्तान भाई, हमें सब बोले बर्थडे अच्छा जोर से करो भाई, कहते नहीं भाई मैं आज तक बर्थडे नहीं कर। इंशाल्लाह मेरा 20/8 को बर्थडे है, वो टेम्पो में एजुकेशन बच्चा के स्कूल आगे किताबा, बच्चा के ज्योमेट्री बॉक्सा, आज 6 स्कूल में उनके कंसल्टेंसी में दी। ऐसा हर एक लीडर कर लिया तो काम, हर एक गरीब नहीं रहता। जो भी इलेक्शन में घर को जीतने की कोशिश करती उन्हें अपने अपने वार्ड में अपने अपने बच्चों को अपने अपने स्कूल में हर जगह, मैं पहले भी बोला फीस करने से, किताबा करने से घर के भाड़े नहीं रहते कोरोना आको कर को। आज वो पैसा पूरा आज उन्हों स्कूल में बांट को ही पूरा किताबा से भी सभी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी गवर्नमेंट है तो कुमार स्वामी का एक ये है उनका ख्वाब, वो रीजनल पार्टी को जो कर्नाटका वाले पूरे रीजनल पार्टी को ले तो हमारा भी कुमार अन्ना का भी ख्वाब है, हाईटेक स्कूल बनेंगे, हर गरीब को हॉस्पिटल बनेंगे, कहाँ मिले डायलिसिस को पैसे नहीं, 2,000 ले रही, 3,000 ले रही, 400 रुपये ले रही, ऐसा बारे में 2 टाइम करना, 3 टाइम करना कर को डायलिसिस है। आज कैंसर पेशेंट आई, आज ऐसे कई बीमारियां आई, वो हमारे मुहिब अल्ताफ साहब सब पूरे बोल को अन्ना को हर जगह की नहीं, हमें हमारी पार्टी कर्नाटका के अंदर जैसा आंध्रा में कर रही, जैसा दिल्ली में कर रही, जैसा तमिलनाडु में कर रही, जैसा कलकत्ता में कर रही, ऐसा सब करेंगे। कहते जब कुमार अन्ना बोले जो भी रीजनल पार्टी आती है वो पार्टी को पावर पूरा मिलना, 1,123 सीट मिले तो इंशाल्लाह कर्नाटका का भी फायदा होता है, कर्नाटका की आवाम का भी फायदा रहता है, गरीब का भी फायदा रहता है, पैसे वाले का भी फायदा रहता है, तमाम सारे मुसलमानों से भी। इंशाल्लाह हमारा ये ख्वाब है, एक हमारे भाई को ले ले का कोई एक दीनदार भाई है, हिंदू भी रहते मुसलमान भी रहते, वैसा सेक्युलर लीडर आज एक कौम का लीडर नहीं, वो हर कौम को भी हर जगह भी अपना रहा, हर चीज से भी ऐसे लीडर को इंशाल्लाह मैं तमाम हमारी कौम से भी बोल रहा हूँ, एक वोट भी जाया करो न को। 5 साल के बाद आज अजान देखो, 70 साल के बाद बंद होगी अजान, ऐसे चीजों से भी एक MLA हमारे 30-40 MLA विधानसभा के अंदर गए तो सुबह का दिन हमारा भी पावर रहता। सारे नौजवानों को ये बार एक 5 साल हमना मौका दो, इंशाल्लाह कर्नाटका के अंदर कैसे स्कूल बनती, कैसे हॉस्पिटल बनती, हर गरीब का भी फायदा रहता है। बहुत सारे स्कीम आई आने वाले कांग्रेस के अधीन रहते, बीजेपी रहते, 1,000-2,000 को वोट बेचो न को। आज तुम्हें वोट बेच को आज तुम्हें क्या तकलीफ आई, तुम्हारे घर में खाने की तकलीफ है, स्कूल की फीसा बनने की तकलीफ है, ऐसा सब मैं मुहिब अल्ताफ साहब के साथ जाको देखा, घर घर में जाको देखा, जो नॉन मुस्लिम के घर में भी तकलीफ है, मुसलमान के घर में भी तकलीफ है, हर एक घर में आज ये देख को कॉलेज के अंदर स्कूल के अंदर उनकी प्यार उनका मोहब्बत देखा मैं बच्चों के पास, क्या मुहिब अल्ताफ साहब ऐसा मोहब्बत कर रही है तो उन्होंने क्या बोल रही,
जैसा मेरी औलाद के सका देखना वैसा बच्चों को भी देखना चाहिए, गरीब को मेरा फर्ज है वैसा देखने का, इंशाल्लाह मैं वैसा देख दूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई वैसे लीडर के, ये तमाम लीडर के सका नहीं है, ये लीडर इंशाल्लाह कौम को साथ देंगे, कौम को साथ ही चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अब्बाल में उस साल के बाद एक उर्दू स्कूल हो, कड़ा स्कूल हो, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, मोइन अल्ताफ साहब आज JDS की तरफ से आज उनका जन्मदिन था। सब जन्मदिन हमारे एरिया में ग्राउंड में डाल को, बैनर डाल को, दूसरे काम करते हैं। कौन भी ना उसके एजुकेशन के बारे में सोचता है, ना मोहल्ले के बारे में ना सोचता है, ना एरिया के बारे में सोचता है, ना अवाम के बारे में सोचता है। आज सबसे ज़रूरत है, मुसलमान को हो या हिंदू हो या कोई भी मजहब का हो, आज सबसे पहले उसे ज़रूरत है इल्म की। आज इल्म बहुत बड़ी ज़रूरत। आज अच्छे लीडर हमना हमारी पार्टी से JDS के लीडर आ कोई मोइन अल्ताफ फिकर को आज बहुत साल के बाद एक मौका मिला हमना भी काम करने का। एक लीडर के पीछे गए तो मोहल्ले में हमना भी एक चार आदमी हमारी भी आइडेंटिफाई करते हैं, हमना दिल से खुशी हो चे। आज जितने भी उर्दू स्कूल हो या कड़ा स्कूल हो या तमिल स्कूल हो, जितने भी स्कूल हैं गवर्नमेंट स्कूल, उसे आज बुक होंगे, ज्योमेट्री बॉक्स, जितने भी स्कूल के एजुकेशन के वास्ते तकसीम किए, पूरे स्कूलों को हमारे साथ में मोइन अल्ताफ साहब फिर को जो काम करे। आज JDS की तरफ से भी कुमाना का एक सपना ये क्या है, यह करना है। जैसा दिल्ली में आज आम आदमी बोल रहा है मैं स्कूल बना को हूँ, मैं रोडा बना को हूँ, कुमाना का जो अपना सपना था मैं समझता हूँ यहाँ से आज स्टार्ट हुआ अर्को, क्योंकि हमारे लीडर का भी सपना है एजुकेशन को तवज्जा देना अर्को। आज वैसा लीडर आको है, हमने बहुत मौका मिला, उनके जन्मदिन मैं उनके जन्मदिन को मुबारकबाद देता हूँ। आज जो काम करे उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।